अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए नगर्स की रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम अपने किचन में बीफ नगर्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ कीमा ले लिया है, ये मेरे पास है 300 ग्राम। इसके अलावा हम इसमें 2 अदद ब्रेड इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज इस्तेमाल करेंगे, 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस, काली मिर्च पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, कटी हुई 2 अदद हरी मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और नमक आप टेस्ट के मुताबिक लेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। और साथ यहाँ पे कोटिंग करने के लिए हम ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम इसमें 2 अदद अंडों का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर ऑयल गरम करेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इन्हें लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट सा फ्राई करके अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और जो प्याज है इसको हम निकाल के साइड पे करेंगे। प्याज को हम रखेंगे साइड पे और अब इसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे कीमा, साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक और साथ में यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। कीमा साइड पे कुक हो रहा है तो अब हम यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, इसमें हम दूध ऐड करेंगे, आपने इसे दूध में डिप करना है। अब हम दूसरा भी स्लाइस उठाएंगे और इसमें भी अब हम दूध ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब तकरीबन हम इन्हें रखेंगे साइड पे 5 से 7 मिनट के लिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अब हम इन्हें एक दफ़ा इस तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको निचोड़ लिया है, अब हम इसे रखेंगे साइड पे। तकरीबन 25 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पे कुक किया है, तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब ये जो थोड़ा सा पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन तमाम पानी हमने ड्राई कर लिया है, अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तमाम चीज़ें जिसमें हमारे पास ब्रेड है, बाकी भी हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, साथ हम यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड कर देंगे, इसके अलावा हरा धनिया भी ऐड करेंगे और कुक किया हुआ हम यहाँ पर प्याज भी ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर कुक किया हुआ कीमा भी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करके अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करेंगे।
अच्छी तरह से हमने इसे ग्राइंडर जार में मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नगर्स बनाएंगे और नगर्स बना के हम एक दफ़ा अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद हम इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तमाम बना के हम साइड पे रखते जाएंगे। इस तरीके से हम इसे शेप देंगे। अब हम इसको अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और अब हम इसको रखेंगे साइड पे। बाकी जो है उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तमाम नगर्स तैयार करने के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल गरम कर लेंगे और अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। दोनों साइड से हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बीफ नगर्स बनके बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही टेस्टी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर